नमस्कार दोस्तों, नित्वी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपने करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था समय का ही, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं। जो आज ये क्वेश्चन है बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए नहीं थे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए मैंने छोड़ दिए थे। फिर भी क्या, एक बच्चे का कमेंट आया, उसने पूछा था कि सर ऐसे सवाल, मैंने कहा ऐसे भी इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो देखो, आपका भी कोई सवाल हो, आपको लगे ये क्वेश्चन आ सकता है, मैंने छोड़ दिया हो, तो आप भी क्या है कमेंट के माध्यम से मेरे को अवगत करवा सकते हो। बात समझ में आ गई। तो देखो, क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है। पांच व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, पांच व्यक्ति हैं वो एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो एक आदमी उस कार्य को कितने समय में करेगा। क्वेश्चन ये नहीं पूछा था, इससे थोड़ा सा अलग पूछा था, लेकिन क्या मैं फिर इस टाइप के क्वेश्चन उनको बेसिक से करवा रहा हूँ। बात समझ में आ गई। चलो तो अपन बात कर लेते हैं। ये जो आपका बैच है स्पेशल बसुपरिचर है, सीटी है, और जो राजस्थान में एग्जाम्स हो रही है या फिर आप सेंट्रल की कोई एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए क्या उपयोगी साबित होगा। इस बैच के माध्यम से अपन क्या बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ते चलेंगे। आपको पता ही है कि मैथ हर एग्जाम में लगभग सेम ही आती है, लेवल थोड़ा बहुत क्या ऊँचा नीचा रहता है, लेकिन जैसे आपको जीटी लेवल की बसुपरिचर है, सीटी है, ये एग्जाम है, इनके लिए क्या है ये बैच आपका कंप्लीट रहेगा। इस बैच के अंदर बिल्कुल अपन क्या छोटी छोटी चीज़ें से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। चलो तो भाई लाइक वगैरह कर दिया करो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन क्या दिया है, पाँच व्यक्ति हैं वो एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो एक आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बात समझ में आ गई। बेसिक सा क्वेश्चन है, छोटा सा, बिल्कुल इजी। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या जाएगा आपका, ये क्या है आपके ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन क्या है कमेंट करके बताओ मेरे को, साथ साथ आप भी कमेंट किया करो और आंसर निकालते रहा करो। तो देखो अपन बात कर लेते हैं, पांच व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, व्यक्ति कितने हैं पांच, और कितने दिन में कर सकते हैं, दिन कितने लगाते हैं 15 दिन लगाते हैं। बात समझ में आ गई। तो अपन ये मानेंगे, देखो इसको गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा टोटल कार्य, पांच व्यक्ति, जैसे एक आदमी एक कार्य करता है तो पांच व्यक्ति कितने कार्य करेगा, सभी मिलकर कितने कितने काम करेंगे, एक एक, तो कितना काम हो जाएगा पांच। ये आपने आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझा रहा हूँ। पांच व्यक्ति हैं, अगर वो एक एक कुर्सी रोज बनाते हैं, पांच व्यक्ति हैं और वो रोज रोज एक एक कुर्सी बनाते हैं, तो कितनी कुर्सी बनाएंगे, पांच कुर्सी, कितने दिन तक करेंगे काम को, कितने दिन तक करेंगे बताओ, देखिए 15 दिन तक, तो टोटल कुर्सी कितनी बना देंगे। इन दोनों को क्या कर देंगे आप गुणा, सीधा सीधा क्या करोगे, पाँच व्यक्ति और जितने दिन में काम करते हैं उनको क्या कर दो गुणा। तो किस प्रकार से करोगे, पाँच गुना 15 बराबर क्या आ गया 75, ये क्या हो गया आपका कार्य। अगर एक व्यक्ति करेगा तो एक व्यक्ति, मैंने आपको क्या बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति एक एक कुर्सी बनाता है, कितनी कितनी कुर्सी बनाता है एक, तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे, पांच कुर्सी बनाएंगे, और कितने दिन तक बनाते हैं 15 दिन तक। ये क्वेश्चन में दिया है, दोबारा समझा दूं आपको, पाँच व्यक्ति हैं वो क्या है, अपन ने मान लिया एक एक कार्य करते हैं और कितने दिन तक करते हैं 15 दिन तक, तो टोटल कितनी कुर्सी बना देंगे 75 कुर्सी। बात समझ में आ गई। अगर अकेला व्यक्ति करेगा उसको, तो उसको कुर्सियाँ कितनी बनानी है 75, उसको कितनी कुर्सी बनानी है, टोटल कार्य कितना है 75, तो टोटल कुर्सियाँ उसको कितनी बनानी है 75, और रोज वो कितनी कुर्सी बनाता है एक, रोज कितनी कुर्सी बनाता है एक आदमी एक, तो अपने एक का भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 75 दिन। ये तो हो गई बेसिक बात, सीधा तरीका बताऊँ, इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने व्यक्ति हैं उनको गुणा कर दो कितने दिन में कार्य करते हैं, तो क्या आ जाएगा 5 गुणा 15 बराबर क्या आ जाएगा 75। अगर एक बार आदमी दिया हो तो, अगर क्या हो कि एक आदमी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, तो आप सीधा करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 75 डे। बात समझ में आ गई। देखो बेसिक दोबारा बताऊँ, पांच व्यक्ति हैं वो एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो अपन माने पांच व्यक्ति हैं वो रोज क्या क्या एक एक कार्य करते हैं, तो पांच व्यक्ति कितना कार्य करेंगे, रोज पांच कार्य करेंगे, कितने दिन तक करते हैं क्वेश्चन में कह दिया 15 दिन तक, तो टोटल कार्य कितना होगा 75 होगा, 75 कार्य होगा। बात समझ में आ गई, टोटल कार्य होगा 75।
अब देखो एक आदमी कितना काम करता है, एक काम करता है, एक आदमी एक काम करता है तो 75 काम को करने में कितना समय लेगा, वो 75 दिन लेगा ना। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो 75 में भाग दे दो किसका, एक का, तो भी क्या आएगा 75 डे। बात समझ में आ गई, ये क्या हो गया आपका आंसर। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन आपको करना है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्या किया हुआ है, 10 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, 10 व्यक्ति हैं वो एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो एक आदमी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। सीधा सीधा आपका आंसर आ जाना चाहिए, मात्र 2 सेकंड का क्या है क्वेश्चन, आपको सिर्फ क्या करना 2 सेकंड गुणा करनी है, उससे क्या जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, सीधे तरीके की बात करी मैंने, क्या बताया इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि 10 व्यक्ति हो, 20 व्यक्ति हो, 30 दिन व्यक्ति हो, वो क्या है जैसे 20 30 कितने भी दिन में क्या हो कार्य कर रहे हो, एक आदमी उस कार्य हो, शर्त क्या है एक आदमी उस कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, जैसे 10 व्यक्ति हैं और 20 दिन में कार्य क्या समाप्त कर सकते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा ये पूछे, तो आपको क्या करना है 10 × 20 बराबर आपका आंसर क्या जाएगा 200 दिन, एक आदमी उस कार्य कितने दिन में करेगा 200 दिन। अब देखो मैं समझाऊँ इसका बेसिक किस प्रकार से, देखो क्या 10 व्यक्ति हैं, 10 क्या है आपके व्यक्ति है, वो रोज क्या है एक एक कोई वस्तु का निर्माण करते हैं, क्या कोई चीज बनाते हैं वो एक एक बनाते हैं, तो 10 मिलकर कितनी वस्तुएं बना देंगे, जैसे 10 कुर्सियां बनाते हैं वो, 10 कुर्सियां रोज क्या है 10 व्यक्ति हैं, रोज एक आदमी एक कुर्सी बनाता तो 10 आदमी कितनी कुर्सी बनाते हैं, एक दिन में 10 कुर्सियां बना देंगे। बात समझ में आ गई, इस प्रकार से कितने दिन तक बनाते रहेंगे वो 20 दिन तक, तो 20 दिन में कितनी कुर्सी बना देंगे, रोज क्या बनाते हैं 10 कुर्सी, तो 20 दिन में कितनी कुर्सी बना देंगे, गुणा कर देंगे 10 को 20 से, तो क्या जाएगा वो क्या बनाएंगे 200 कुर्सियां बनाएंगे। अब क्या बोला है कि एक आदमी 200 कुर्सियां बनाएगा, तो उसको कितना समय लगेगा, एक आदमी अगर ये पूरी टोटल 200 कुर्सी बनाएगा तो उसको कितना समय लगेगा, तो उसको लगेंगे 200 दिन। क्यों लगेंगे, क्योंकि एक आदमी रोज क्या है एक कुर्सी बनाता है, तभी 10 आदमी रोज 10 कुर्सी बनाएंगे, कितने दिन तक बनाएंगे, कितने दिन में काम पूरा करते हैं 20 दिन में, तो ये 20 दिन में कितनी कुर्सी बना देंगे 200, कितने आदमी बनाएंगे 10 आदमी, अपन 10 को गुणा करेंगे 20 से, 10 आदमी है और 20 दिन तक काम करते हैं, तो 10 को गुणा करेंगे 20 से, तो टोटल कार्य क्या हो गया 200। अगर आपको पूछे एक आदमी कितने दिन में बनाएगा, तो ये 10 आदमी मिलकर 20 दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं 200, एक आदमी रोज कितनी कुर्सी बनाता है एक, तो 200 कुर्सी कितने दिन में बनाएगा, 200 में भाग दे दो किसका एक का, तो आपका आंसर क्या जाएगा 200 दिन। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको समझा दिया काफी बार, समझ में आ गया होगा आपके। चलो नोट डाउन करो, फिर अगले टाइप का क्वेश्चन करेंगे अपने सॉल्व। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करो, क्या दिया है क्वेश्चन, बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप के 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। 5 व्यक्ति हैं वो एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 3 आदमी उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। बात समझ में आ गई, जो पिछला क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे कितने आदमी आ गए 3 और इससे पहले कितने आदमी थे एक। देखो टोटल कार्य कितना है, सबसे पहले अपन क्या निकाल देंगे कुल कार्य के बाद में अपन क्या करेंगे कि 3 व्यक्ति जितना काम करते हैं एक दिन में उसका क्या दे देंगे 12, तो इससे क्या जाएगा आपका आंसर। चलो ऑप्शन की बात करें तो कितना जाएगा, ऑप्शन क्या जाएगा, देखो ऑप्शन दे दूंगा आपको 30 दिन बी रहेगा आपका 25 दिन डी रहेगा सी रहेगा आपका 20 दिन और डी रहेगा आपका 15। देखो ये क्या हो गया आपके ऑप्शन हो गए, तो ऑप्शन क्या रहा आपका कमेंट करो देखें आप लोग। देखो किस प्रकार से करेंगे, 5 व्यक्ति हैं रोज क्या करेंगे एक एक काम करेंगे,
रोज क्या करेंगे, एक एक काम करेंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 5। तो ये तो मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ, बाकी आपको ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना, सीधा सीधा 5 को गुणा करना है किससे, जितने दिन काम हो रहा है, कितने दिन, 12। तो टोटल क्या जाएगा, ये हुआ है 60 कार्य, कार्य कितना हो गया 60। अब देखो तीन व्यक्ति है, तीन या तीन आदमी करेंगे इसको, तो एक आदमी एक दिन में कर रहा है, तो तीन आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, 1 + 1 + 1, तो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, 3 करेंगे। तीन व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। टोटल काम कितना करना है, 60। बात समझ में आ गई, टोटल काम कितना करना है, 60। कुल कार्य कितना, 60। एक दिन में कितना कार्य करते हैं तीनों मिलके, 3। तो 60 में अपन क्या दे देंगे, 3 का भाग, तो कितनी हो जाएगा, 20 बार। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20 दिन। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, सी सही है। एक बार दोबारा देखो क्या बताया मैंने, 5 व्यक्ति हैं वो एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, 5 व्यक्ति एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 12 दिन। तो अपन क्या मानेंगे, एक आदमी रोज एक कार्य करता है, तो 5 आदमी एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 5 दिन। कार्य कितने दिन करते हैं, 12 दिन। तो 5 को अपन क्या करेंगे, 5 कार्य रोज करते हैं, कितने दिन करते हैं, 5 5 कार्य 12 दिन तक। तो टोटल कार्य कितना हो गया, 60 हो गया। टोटल कार्य आपका कितना हो गया, 60 हो गया। बात समझ में आ गई, टोटल कार्य हो गया 60। अब देखो क्वेश्चन में कह दिया कि तीन आदमी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब तीन आदमी है वो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक आदमी एक काम करता है, दूसरा भी एक, तीसरा भी एक, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। टोटल काम कितना करना उनको, 60। टोटल काम कितना करना उनको, 60 करना। बात समझ में आ गई, तो 60 में अपन भाग देते हैं किसका, 3 का। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 20 दिन। बात समझ में आ गई, तो चलो इसको करो नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। चलो भाई अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। 6 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 4 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया, 6 व्यक्ति हैं किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 4 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सीधा करने का तरीका बताया जो आपको, शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार से करना है, 6 को गुणा करना है, क्या जितने व्यक्ति हैं व्यक्तियों को गुणा करना है टोटल कार्य से, टोटल कार्य आपका कितना, 20 भाग दे देना है जितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, कितने व्यक्ति बाद में कार्य कर रहे हैं, 4, तो भाग दे देना आपको 4 का। तो 4 बचे कितने हो गए, 20, 4 का भाग 4 में 1 बार, 20 में कितने बच जाएगा, 5 बार। इन दोनों को गुणा करेंगे, 6 को गुणा किया किससे, 5 से, तो क्या जाएगा आपका, 30 दिन। ये क्या हो गया आपका, आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, अगर बेसिक तरीके से बताऊं तो किस प्रकार से होगा, 6 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 6, रोज एक एक काम करते हैं, कितना, 1 1, तो कुल काम कितना करेंगे, 6 काम करेंगे। कितने दिन तक काम करेंगे, 20 दिन तक। तो 6 व्यक्ति रोज, 6 व्यक्ति 6 काम करते हैं रोज और 20 दिन तक काम करते हैं, एक दिन में कितना काम करेंगे, 6, और 20 दिन में कितना करेंगे, तो 6 को गुणा करेंगे 20 से, तो कितना जाएगा, 120 काम। तो टोटल काम कितना हो गया, 120। अब देखो अपने को कितने आदमी से काम करवाना है, 4 से, कितने आदमी से काम करवाना आपको, 4 से। तो 4 व्यक्ति 4 दिन में कितना काम, एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 व्यक्ति एक दिन में देखो एक एक काम करेंगे चारों, तो कितना काम हो जाएगा, 4 काम हो जाएगा। बात समझ में आ गई, टोटल काम कितना हो गया, 4। 4 व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेंगे, 4। टोटल काम कितना करना उसको, 120 खुशियां बनानी है, रोज 4 कुर्सी बनाते हैं, तो कितना समय लगेगा इनको, तो 120 में अपन भाग देंगे किसका, 4 का, 4 एकम 4, 12 में 4 का भाग कितने जाएगा, 3 बार। तो आपका क्या रहेगा, 30, आंसर क्या रहेगा, 30 दिन। बात समझ में आ गई, ये क्या हो गया आपका आंसर, और सीधा मैंने बता दिया इन दोनों क्या करो, गुणा व्यक्ति को, जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, जितने दिन काम कर रहे हैं, इनको क्या कर लो आप, गुणा कर लो, और बाद में जितने व्यक्ति काम करेंगे उसका कह दे दो भाग। तो ये आपका हो गया शॉर्ट ट्रिक, ये आपका क्या हो गया, सीधा तरीका हो गया, बिल्कुल भी 5 सेकंड में क्या है आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, बेसिक मैंने आपको यहाँ समझा दिया किस प्रकार से ये शॉर्ट ट्रिक बनाई है मैंने। बात समझ में आ गई आपके, तो चलो इसको करो नोट डाउन आप लोग।
देखो ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक वगैरह कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो भाई अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्या दिया है, 10 व्यक्ति किसी काम को 4 घंटे काम करके 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 व्यक्ति हैं, वो किसी काम को 4 घंटे काम करके 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, कोई काम है उसको 10 आदमी काम करेंगे, रोज 4 घंटे काम करेंगे और 5 दिन में उसको क्या कर देंगे, कार्य को समाप्त कर देंगे। बात समझ में आ गई, समाप्त करते हैं तो 20 व्यक्ति कितने घंटे काम करें ताकि वो कार्य 2 दिन में समाप्त हो जाए। बात समझ में आ गई, क्या पूछा आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है काफी बार और इजी क्वेश्चन भी है। जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया, एक बार दोबारा सुनो, ध्यान से पढ़ो और आप लोग करने की कोशिश करो। क्या दिया है, 10 व्यक्ति हैं, वो किसी काम को रोज 4 घंटे करते हैं और उसको 5 दिन में कार्य क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो उसी काम को पूरा करने के लिए 20 व्यक्ति कितने घंटे काम करें कि कार्य 2 दिन में क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। बात समझ में आ गई, तो पहले उसका क्या है, शॉर्ट तरीका बता दूं आपको, शॉर्ट ट्रिक बता दूं किस प्रकार से करेंगे। जो ऊपर काम कर रहे हैं 10 व्यक्ति को गुणा करेंगे, रोज कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं और कितने घंटे काम करते हैं, 5, ये तो क्या हो गया कार्य। 10 व्यक्ति हैं, रोज कितने घंटे काम करते हैं, 4 घंटे, कितने दिन करेंगे, 5 दिन, तो इसको गुणा करेंगे और भाग दे देंगे अपन, कितने व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं, कितने दिन में कार्य हो जाना चाहिए, 2 दिन में, और भाग देने पर यहाँ पे आ जाएंगे उनके घंटे। बात समझ में आ गई, तो देखो 20 10 का भाग दिया किस में, 20 में कितनी बढ़ जाएगा, 2 बार, 2 और 2 कितने हो गए, 4, तो 4 से कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, 5 घंटे। तो ये तो हो गया शॉर्ट तरीका, हो गया आपका सीधा तरीका, हो गया बिल्कुल सीधा हो गया। बेसिक किस प्रकार से करेंगे वो अपन बात कर लेते हैं, जिसको शॉर्ट ट्रिक जाननी है वो एक बार दोबारा देखो क्या करना है आपको। जितने आदमी दे रखे हैं ऊपर 10 आदमी दे रखे हैं 4 घंटे और 5 दिन, तो इन सभी को क्या कर लेंगे, गुणा 10, ये तो क्या हो गए 10 आदमी हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 दिन में कार्य समाप्त करते हैं। कितने आदमी, देखो नीचे लिख देंगे अपन, जितने आदमी, कितने आदमी है, 20 आदमी, कितने दिन में काम होना चाहिए इनका, 2 दिन में, तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स आ जाएगा। बात समझ में आ गई, यहाँ पे क्या जाएगी, घंटे की जगह क्या जाएगा, यहाँ पे अपन एक्स ले लेंगे, अब एक्स चला जाएगा इधर, तो एक्स का मान आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपके, तो ये तो हो गया आपका बिल्कुल शॉर्ट तरीका हो गया। और बेसिक की अपन बात करें, 10 व्यक्ति हैं, वो रोज क्या करते हैं, 4 घंटे काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, 4 घंटे, और कितने दिन करते हैं, 5 दिन। बात समझ में आ गई, कितने दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे। बात समझ में आ गई आपके अच्छे से, तो देखो कितना कितने घंटे काम करेंगे, 10 व्यक्ति रोज 4 घंटे काम करते हैं, तो एक दिन में कितने घंटे काम करेंगे, 10 व्यक्ति 4 घंटे काम करेंगे तो 40 घंटे काम करते हैं, और कितने दिन में समाप्त करते हैं, 5 दिन में, तो गुणा करेंगे 5 में, तो ये काम कितने घंटे कर रहे हैं, 200 घंटे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 200 घंटे काम है, टोटल काम कितना, 200 घंटे का। बात समझ में आ गई, अब देखो ये आदमी है, कितने आदमी, 20 आदमी, आदमी कितने, 20, और ये 2 दिन में क्या है, काम करना चाहते, 2 दिन में काम को करना चाहते हैं, तो आदमी कितने हो जाएंगे, देखो 40 हो जाएंगे, टोटल आदमी कितने हो जाएंगे, देखो टोटल कार्य कितना हो गया आपके, 200 घंटे का क्या हो गया, कार्य हो गया, टोटल आदमी कितने हो जाएंगे, देखो 20 आदमी एक दिन कार्य करेंगे, 20 आदमी दूसरे दिन, काम कितने दिन कर रहे हैं, 2 दिन, तो पहले दिन कितने आदमी काम करेंगे, 20 दिन, दूसरे आदमी कितने दिन काम, कितने आदमी करेंगे, 20, पहले दिन 20 आदमी काम किए, दूसरे दिन 20 आदमी, तो टोटल आदमी कितने हो जाएंगे आपके, 40 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, अब 40 तो आदमी है और घंटे आपके पास कितने हैं, कितने घंटे काम करना है, 200 घंटे, तो 200 में आपको भाग देना किसका, 40 का, तो 0 से क्या हो गया, 0 कैंसिल हो गया, 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, 20 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा,
तो ये क्या लेंगे 5 घंटे, आपका आंसर क्या रहेगा 5 घंटे। बात समझ में आ गई, आपका आंसर क्या गया 5, रोज कितने काम करेंगे 5 घंटे काम करेंगे, तब जाके कितना काम होगा 200। अगर आप वैसे देख लो, देखो 20 व्यक्ति हैं रोज 5 घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं 2 दिन, तो गुणा करो 2 को, तो 20 को गुणा किया 5 से कितना हो गया 100, और 100 को गुणा किया 2 से कितना हो जाएगा 200 घंटे। तो ये 200 घंटे यहाँ पे हैं और ये 200 घंटे यहाँ पे आ रहे हैं। बात समझ में आ गई, एक बार दोबारा समझो मैं क्या समझा रहा हूँ। देखो 10 आदमी है, रोज कितना घंटे काम करते हैं 4 घंटे, तो देखो एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, एक दिन में ये कर रहे हैं 40 घंटा काम, एक दिन में कितने घंटा काम कर रहे हैं 40 घंटा काम कर रहे हैं, और कितने दिन कर रहे हैं 5 दिन कर रहे हैं, तो गुणा करेंगे अपन 5 से, तो 200 घंटे क्या करेंगे काम करेंगे। बात समझ में आ गई। अब आपने वो दिया है कि 20 व्यक्ति हैं, व्यक्ति कितने हैं 20, और कितने दिन में कार्य समाप्त कर दें 2 दिन में, तो अगर 20 व्यक्ति एक दिन काम करेंगे और 20 व्यक्ति अगले दिन काम करेंगे, तो टोटल आदमी कितने हो गए आपने 40 आदमी हो गए, आदमी कितने हो गए 40, 20 तो हो गए पहले दिन के, 20 हो गए अगले दिन के, तो टोटल आदमी कितने हो गए 40। बात समझ में आ गई, तो 200 घंटे काम करना है और आदमी कितने हैं 40, तो कितने 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 घंटे इनको काम करना पड़ेगा 5-5 घंटे। बात समझ में आ गई, तो आपका आंसर क्या रहेगा 5 घंटे। बिल्कुल बेसिक से समझाया और सीधा मैंने आपको बता दिया सीधा किस प्रकार से करना, इन सभी को गुणा कर लेना, 10 व्यक्ति है 4 घंटे काम करते हैं और कितने दिन 5 दिन काम करते हैं, इसमें भाग देना आपको किसका, 20 व्यक्ति है और कितने दिन में काम करेंगे 2 दिन में, इसका भाग दे दो तो आपका क्या जाएगा सीधा सीधा घंटा आ जाएगा। बात समझ में आ गई, तो चलो इसको करो नोट डाउन, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, करो नोट डाउन इसको। देखो अगला क्वेश्चन कह दिया है 5 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे काम करें और 10 दिन में उसको क्या करते हैं समाप्त कर सकते हैं, उसी काम को 10 व्यक्ति 3 घंटे काम करें तो कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। बात समझ में आ गई, जिस प्रकार से पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ाओ, चलो तो करने की कोशिश करो, क्वेश्चन क्या दिया आपको, क्वेश्चन आ गया समझ में, अगर आपको सीधा करना है तो किस प्रकार से करोगे, 5 व्यक्तियों गुणा करोगे घंटों से, कितने घंटे हैं 6 और कितने दिन काम करते हैं 10 दिन, गुणा किया आपने 10 से। बात समझ में आ गई, अब देखो कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं 10 काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, गुणा किया आपने किस से 3 से, अब जो आएगा वो आके आ जाएगा आपका समय आ जाएगा, वो क्या जाएंगे आपके डे आ जाएंगे। बात समझ में आ गई, 10 से क्या हुआ 10 कैंसिल हो गया, 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 6 के अंदर कितने हो गया 2 भाग, 5 को गुणा किया किससे 2 से, तो आपके क्या आ गया 10 दिन, तो आंसर क्या रहेगा आपका 10 दिन। बात समझ में आ गई, ये तो भाई शॉर्ट विधि, और वैसे करेंगे अपन कि 5 व्यक्ति हैं रोज 5 काम करते हैं, 5 व्यक्ति है कितने घंटे काम कर रहे हैं रोज 6 घंटे, तो एक दिन में कितने घंटे काम करेंगे 5 व्यक्ति, रोज 1 व्यक्ति 6 घंटे काम करता है तो 5 व्यक्ति कितने घंटे काम करेंगे, 5 को गुणा किया 6 से तो 30 घंटे काम करेंगे, कितने दिन काम कर रहे हैं 10 दिन, कितने दिन काम कर रहे हैं 10 दिन, तो गुणा कर देंगे अपने रोज कितना काम कर रहे हैं, देखो रोज कर रहे हैं 30 घंटे काम कर रहे हैं, 5 व्यक्ति हर व्यक्ति 6 घंटे काम करता है तो टोटल काम कितना हो रहा है 30 घंटे, रोज कितना काम हो रहा है 30 घंटे और कितने दिन काम कर रहे हैं 10 दिन, तो 10 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 300 क्या हो गया घंटे हो गए, 300 घंटे आपका क्या हो गया काम हो गया। बात समझ में आ गई, टोटल काम कितने 300 घंटे। अब क्या किया 10 व्यक्ति है, व्यक्ति कितने आपके 10 और रोज कितने घंटे काम कर रहे हैं 3 घंटे, रोज कितना घंटे काम कर रहे हैं 3 घंटे, तो ये भी देखो कितने एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं 30 घंटे काम कर रहे हैं, एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं 30 घंटे। बात समझ में आ गई, अब देखो कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे तो अपन भाग दे देंगे 300 घंटे और रोज कितना घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं 30 घंटे और टोटल काम कितना करना 300 घंटे, तो 300 में अपन ने भाग दे दिया किसका 30 का, तो कितना आ जाएगा 10,
तो क्या आ गया 10 दिन क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये भी कितने दिन में समाप्त कर देंगे 10 दिन में। अब देखो आपको यहाँ देखते हैं आपके आंसर क्या जाना चाहिए था 10 दिन। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है एक दिन में 30 घंटे काम कर रहे हैं और ये भी क्या है एक दिन में 30 घंटे। तो दोनों ने क्या किया एक दिन में बराबर काम किया तो उनको समय भी क्या लगेगा बराबर लगेगा। इनको अगर 10 घंटे काम का समय लग रहा है तो इनको भी क्या है 10 दिन ही लगेगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? चलो तो इसको करो नोट डाउन। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।